मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पूर्ण बजट 2024 पेश किया। यह निर्मला सीतारमण का सातवां बजट है, वहीं मोदी सरकार के तीसरे टर्म का पहला बजट है। इस बार बजट को लेकर बिहार को कुछ ज्यादा ही उम्मीद है। जैसा कि पहले भी कई मंत्रियों ने दावा किया था कि इस बार बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलेगा या फिर उसके लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा होगी। इसी कड़ी में जब वित्त मंत्री ने 11:03 पर बजट पेश करना शुरू किया तो सभी की निगाहें बिहार को मिलने वाली सौगात पर थी। केंद्र सरकार की ओर से बजट में बिहार को बड़ी सौगात मिली है। बिहार में 4 एक्सप्रेसवे बनेंगे। मंगलवार को बिहार में सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान हुआ है। 21,000 करोड़ के पावर प्लांट का भी ऐलान हुआ है। बिहार को वित्तीय सहायता मिलेगी। बिहार को पर्यटन लिहाज से विकसित किया जाएगा। Power projects including setting up of a new 2400 megawatt power plant at Peerpenti will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. New airports, medical colleges and sports infrastructure in Bihar will be constructed. An additional allocation to support capital investments will be provided. The requests of Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited. Andhra Pradesh Reorganization Act. Our government has made concerted efforts to fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act. Recognizing the state's need for the capital, recognizing the state's need for a capital, we will facilitate special financial support through multilateral development agencies. In the current financial year, 15,000 crore rupees will be arranged with additional amounts in future years. Our government is fully committed to financing and early completion of the Polavaram irrigation project, which is the lifeline for Andhra Pradesh and its farmers. This will facilitate our country's food security as well. बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने बिहार में सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। 21,000 करोड़ के पावर प्लांट प्रोजेक्ट का भी ऐलान किया गया। पटना पूर्णिया के लिए एक्सप्रेसवे बनेगा। बक्सर भागलपुर के लिए भी एक्सप्रेसवे का ऐलान किया गया है। बोध गया, वैशाली, राजगीर, दरभंगा में भी एक्सप्रेसवे बनेगा। पटना पुणे एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिली है। बिहार में नए मेडिकल कॉलेज और स्टेडियम की स्थापना होगी। नए एयरपोर्ट के निर्माण पर काफी ध्यान दिया जाएगा। पूर्वी राज्यों में सूर्योदय प्लान लॉन्च होगा। अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर के लिए गया हेड ऑफिस बनेगा। हालांकि लोगों को लग रहा था कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन बिहार को स्पेशल स्टेशन का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन बिहार में 4 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे। ऐसे में बिहार को अच्छी सड़कें जरूर मिलने की उम्मीद है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।